हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लेट्स पैक राजस्थान एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर। इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सेशन विद एक्सप्लेनेशन, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एमसीक्यू के माध्यम से। जो आपकी तैयारी है उस तैयारी के में और भी ज्यादा आपको बेहतर फील होगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से हमारे सभी कॉन्सेप्ट और सभी तरह के जो पहलू होते हैं वो क्लियर होते हैं। सो मोस्ट वेलकम है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी का पोर्शन हर एग्जाम में लगभग जीके का पोर्शन रहता है, जीएस का पोर्शन रहता है, जनरल स्टडीज का, उसमें सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरएएस का एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यदि आप आरपीएससी, आरएएस या इसके अलावा किसी अन्य एग्जाम की, राजस्थान एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के, राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन जो है अभी 40% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, 40% डिस्काउंट का ऑफर है, ये रात के 12 बजे समाप्त हो जाएगा, तो इससे पहले अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। यदि आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र आपका एक साल का जो सब्सक्रिप्शन 7,199 रुपए का है, लेकिन अभी यदि आज लेंगे आप तो मात्र 5,399 रुपए का प्राप्त हो जाएगा। यदि दो साल का लेते हैं नॉर्मली तो आपको 8,799 रुपए का पड़ता है, लेकिन आज आप यदि लेते हैं तो मात्र 6,599 रुपए का आपको मिलेगा। इसके लिए, इस डिस्काउंट के लिए, 40% डिस्काउंट के लिए आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा, PANTEY कोड का प्रयोग करके डिस्काउंट के साथ अपना सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। पांडे अप्लाइड आ जाएगा और इसके बाद आपको जैसे अप्लाइड होगा डिस्काउंट के साथ अमाउंट होगा। इस कोड का प्रयोग आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं आज के सेशन के। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। चलिए पहला सेशन आप सभी के सामने, बताइएगा द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान अपना अधिकार कहां से प्राप्त करता है, बताइएगा, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, पहला ही शब्द है हम, यानी कि भारत के लोग। आंसर होगा इसका सी, द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। न्यायाधीशों की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम कितने जज होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, यानी कि जहां पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न नहीं तो होता है, संविधान को इंटरप्रेट करने की बात आती है, किसी नए ऐसे या आप कह सकते हैं कि विधिक प्रश्न उठा हुआ, संवैधानिक प्रश्न का सवाल प्रश्न है, तो उसके लिए संवैधानिक पीठ गठित होती है और उसमें मिनिमम जो जज रिक्वायर होते हैं वो 5 होते हैं। इसके बाद ऑड फिगर में 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से ये जो है आगे बढ़ता है। 13 जजेज की बेंच थी किसमें, केशवानंद भारती केस में, जो आज तक के इतिहास का, भारतीय जुडिशरी के इतिहास का सबसे बड़ा केस माना जाता है, उसमें 13 जजेज की बेंच थी, 7 और 6 से फैसला आया था, 7:6 से। सो आंसर होगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था। Which one of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the Constitution? निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? Which of the following fundamental rights? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिस अधिकार के तहत सभी अधिकारों को प्रवर्तित करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति होती है, यानी कि यदि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो यही आर्टिकल नंबर 32 है जो हमें पावर देता है, अधिकार देता है, एक्चुअल में अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि वो इसको प्रवर्तित करने के लिए या हम इसको प्रवर्तित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी हम खटखटा सकते हैं। सो ये आंसर होगा इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? हेलो नानू मोहन पुरिया, मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखना आप सभी को कि नियुक्ति की जो शक्ति होती है, नियुक्ति की शक्ति, ये नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल ही करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त राज्य का राज्यपाल यानी कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट हटाने की जो शक्ति होती है, रिमूवल पावर जो होती है, वो राष्ट्रपति के पास होती है। नियुक्त तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी, यानी कि राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? सहकारी संघवाद किसने कहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब दो सरकारें होती हैं, जब दो प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, तो उन प्रशासनिक शक्तियों के बीच जो विभाजन होता है, शक्ति का विभाजन होता है, हमारे देश में जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन है, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्ति के विभाजन को या फेडरलिज्म को जो भारतीय प्रकृति है, भारत की भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, जिस प्रकार का फेडरलिज्म संघवाद भारत में अडॉप्ट किया गया है, उसको इनमें से किसी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। यानी कि भारत का जो संघवाद है, क्योंकि प्रमुख रूप से अमेरिका का संघवाद, वैसा संघवाद हमारे देश में नहीं पाया जाता है। हमने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया है और हमारे देश के संघवाद को ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है कि ये सहकारी संघवाद है। आंसर क्या होगा इसका? डी, ग्रेनविले ऑस्टिन, जो एक संविधानविद, संविधान के जानकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको बताना है कौन कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जो भी हो, ये एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन का मतलब ये होता है कि भैया जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठेगा, वो अपने आप ही नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति का अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि अपने आप ही प्रधानमंत्री जो भी होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा, आंसर पर्सन माना जाएगा। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को या भारतीय संघवाद को मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ कहा है? यानी कि इसको किसको? फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। यानी कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके द्वारा? ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा किया गया। लेकिन इनमें से किसी एक ने भारत के संघवाद को फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है। ये चार विकल्पों में से आपको बताना है किसने कहा है। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका आइवर जेनिंग्स। आंसर क्या है इसका? आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ, यानी कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दसवीं अनुसूची को, संविधान की दसवीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया? द टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड थ्रू, द टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड थ्रू, संविधान की दसवीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर होगा इसका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसके माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून, क्या जोड़ा गया था? दल बदल विरोधी कानून जो है, इसके माध्यम से 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय जो है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो कथन दिए गए हैं, दो कथनों को पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि सही है। आंसर क्या है इस कार्य के, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है, माइनॉरिटी कौन है ये परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अलावा भारत का संविधान धार्मिक भाषाई जाति, ये गलत है, जाति आधार पर नहीं दिया गया है बल्कि धार्मिक और भाषाई आधार पर तो दिया गया, अनुच्छेद 29-30 पर यदि आप भाषा पढ़े उसके तो एथनिक माइनॉरिटीज नहीं है इसमें। तो ये स्टेटमेंट देखिए, ये सही है स्टेटमेंट, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट ये स्टेटमेंट आपका गलत है। विच करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि इसमें से सही कथन कौन सा है, सो आंसर होगा इसका केवल ए, यानी कि आंसर क्या है इसका केवल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघवाद कहा है, यानी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्म्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, आंसर क्या है इसका, आंसर होगा इसका मॉरिस जोन्स ने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, आंसर होगा इसका मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म भारतीय संघवाद की विशेषता के रूप में। देखिए भारतीय संघवाद की जो प्रगति है वो एक यूनिक प्रगति है और विशेष रूप से हमने ये लिया है कैनेडियन सिस्टम से, अमेरिकन सिस्टम का संघवाद नहीं है। तो भारतीय संघवाद की जो प्रगति है उस प्रगति को अलग अलग संवैधानिक एक्सपर्ट्स ने अपने अपने स्वरूप में उसको कहा है, किसी ने कहा है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, किसी ने कहा है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, किसी ने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो ये अपने अपने रूप में उन्होंने इसको डिफाइन किया है, इसको इसके प्रगति को बताने का प्रयास किया है नेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी हाँ बताइए, आंसर क्या है इसका, नगर पालिकाओं में महिलाओं, नगर पालिकाओं में महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया। देखिए ये आप सभी को पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है उस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के माध्यम से पंचायतों के कॉन्सेप्ट जोड़े गए थे, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का उसके माध्यम से किसके कॉन्सेप्ट जोड़े गए थे, नगर पालिकाओं के। तो नगर पालिकाओं आंसर क्या होगा इसका, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकली आंसर क्या होगा इसका, देखिए जोड़ी मिलाना, इसमें जो जोड़ी मिलाना है तो यहां पर हम देखें तो भाग 14 है, और भाग 14 किससे संबंधित है, भाग 14 आपका सेवाओं से संबंधित है, तो यानी कि 1 का हो गया क्या डी, इसके अलावा भाग 15 है जो निर्वाचन से है यानी कि 2 का हो गया बी, इसके अलावा भाग 17 है, तो भाग 17 आपका किससे संबंधित है, भाग 17 आपका कार्यालयीन भाषाओं से है यानी कि आपका 3 का हो गया सी,
और इसके अलावा 18th आपका हो गया आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, तो ये हो गया आपका फोर्थ का हो गया डी, सॉरी फोर्थ का हो गया ए। तो यहाँ पर डीबीसीए किधर है, डीबीसीए आंसर हो गया इसका सी, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या होगा इसका आंसर, देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, किसने, बी आर मेहता कमेटी ने, यानी कि ए का हो गया थ्री। नगर पंचायतों का जो कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया गया ये दिया गया, ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, यानी कि हो गया बी का टू। पंचायती राज के जो निर्वाचन है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, यानी कि सी का हो गया क्या, सी का हो गया वन। और इसके अलावा टू टायर सिस्टम यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था अशोक मेहता समिति ने, यानी कि डी का हो गया क्या, डी का हो गया फोर। तो 3214 कहां पर है, ये आपका आ गया 3214, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्न इंडियन फेडरेशन एज कुजाइन फेडरल, यानी कि अर्ध संघीय कहा है, जो संघवाद की विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं या नेचर है भारतीय संघ का, वो अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि संविधानविदों ने अलग अलग रूप में इसको डिफाइन किया है, तो भारतीय संघवाद को इसने इनमें से अर्ध संघीय कहा है, के संतारण, के सी विलियर, आइवर जेनिंग्स या मॉरिसन। आंसर होगा इसका क्या, आंसर होगा इसका केसी विलियर ने जो है अर्ध संघीय से कहा है, कुजाइन फेडरल कहा है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सही कथन का चुनाव कीजिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आपको सही कथन बताना है इनमें से। फर्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट आर सेम, कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताइएगा, आंसर क्या है इसका, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर सेम, ये गलत है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है कैबिनेट, कैबिनेट इज अ इनर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही तो सही है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ बिगर बॉडी, ऑल मिनिस्टर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट ओनली द मिनिस्टर्स विद द कैबिनेट रैंक कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैबिनेट। सो यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के तहत सभी मंत्री आते हैं, लेकिन जो शब्द मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल शब्द के तहत जो है सिर्फ कैबिनेट रैंक के मंत्री ही आते हैं। सो आंसर क्या होगा इसका, दूसरा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not the main feature of the federal government? Which of the following is not the main feature of the federal government? Answer is what? Must have the government. संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट, ये तो होना ही चाहिए भैया, दो सरकारें होंगी तभी तो संघात्मक व्यवस्था होगी, मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ये गलत है, संघीय व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, न कि लचीला होता है, न कि फ्लेक्सिबल होता है, बल्कि रिजिड होता है, कठोर संविधान होता है, लचीला नहीं होता कि जब मर्जी होता परिवर्तित कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किस सीमा के अधीन संविधान में संशोधन कर सकती है, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ, ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी संविधान की मूल संरचना, सी केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के विभाजन को बदलना, या डी प्रस्तावना का पाठ।
आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका, ये है आंसर होगा इसका भैया, संविधान की मूल संरचना जो कि प्रतिपादित की गई थी केशवानंद भारती केस में 1973 में, कि भैया मूल संरचना मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, घर की नींव को परिवर्तित नहीं कर सकते, घर की दीवार हॉल को आप किचन को इधर उधर कर सकते हैं, दीवार कर सकते हैं, लेकिन नींव फाउंडेशन जो है उस फाउंडेशन को आप नहीं हिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य आपको बताना है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, भारत का संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, बताइए, द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, भारतीय संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, ए कैनेडियन मॉडल, बी यूएसए मॉडल, सी ऑस्ट्रेलियन मॉडल या डी यूके मॉडल, भारतीय संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, सो आंसर क्या होगा इसका, भारतीय संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, आंसर होगा इसका ए दैट इज कैनेडियन मॉडल पर, कैनेडियाई मॉडल पर, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियाई मॉडल पर क्यों कहा जाता है, उसका कारण यह है, उसका कारण यह है कि भारतीय जो संघवाद है उसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मजबूत केंद्र है, जबकि संघवाद में यदि आइडियल रूप में देखा जाए तो उसको माना जाता है कि जो अमेरिका में संघवाद है वो आइडियल रूप में माना जाता है, आदर्श माना जाता है, लेकिन जो भारतीय संघवाद है ये कनाडिया में, क्योंकि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भारत में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका 243, आंसर क्या है इसका, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से पार्ट 9 में जोड़ा गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पार्ट 9 में ये प्रावधान जोड़े गए पार्ट 9 में, सो आंसर होगा इसका क्या 243। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु आर ऑल द पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका का हिस्सा कौन है, राज्य कार्यपालिका का हिस्सा कौन है बताना है आपको, ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी एडवोकेट जनरल या ऑल ऑफ द अबव, तो किसी भी राज्य में चाहे वो राजस्थान की कार्यपालिका हो या राजस्थान की सरकार हो या किसी अन्य प्रदेश की सरकार हो, प्रमुख रूप से तीन अंग होते हैं, एक विधायिका लेजिस्लेचर, एक व्यवस्थापिका, सॉरी व्यवस्थापिका तो लेजिस्लेचर को ही कहा जाता है विधायिका, या एक दूसरी कार्यपालिका और तीसरी विधायिका, तो कार्यपालिका क्या होती है, यहां पर जो कार्यपालिका पूछा गया है जो कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्था होती है, और कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए हमारे यहां पर जो संसदात्मक सरकार की व्यवस्था है उसके अनुसार मंत्री गवर्नर को भी इवन काउंट किया जाता है और एडवोकेट जनरल भी इसका हिस्सा माना जाता है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये जो है राज्य की कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, सो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ बताना है, रिसीविंग सब्जेक्ट्स का मतलब बताना है, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब बताना है, ए सब्जेक्ट्स अंडर यूनियनिस्ट, बी सब्जेक्ट्स अंडर स्टेटलिस्ट, सी सब्जेक्ट अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियनिस्ट, डी सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य बताना है,
आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका एसएमई से। देखिए हमारे संविधान में, हमारे संविधान में तीन सूचियां दी गई हैं। तीन सूचियां कौन कौन सी? एक यूनियन लिस्ट जिसमें एक्सक्लूसिव रूप से संघ सरकार कानून बना सकती है, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सरकारों को दिया गया अधिकार, और तीसरा आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में जो कार्य करने की कानून बनाने की शक्ति है किसके पास है? राज्यों के पास है। लेकिन कोई भी ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, तीनों लिस्ट में नहीं है, और उसके संबंध में कार्य करना है या कानून बनाना है, तो उसकी वो अवशिष्ट शक्ति डिसिप्लिनरी पावर में आता है। वो शक्ति किसके पास है? वो केंद्र की विधायिका के पास है यानी कि केंद्र सरकार के पास है। सो आंसर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है बताना है। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। तो संविधान लिखित है और आसानी से संशोधन योग्य नहीं है, ये बिल्कुल है, क्योंकि फेडरल फीचर्स को आसानी से संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। लिखित संविधान ये राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, गलत है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व है, अमेरिका की तरह नहीं कि प्रत्येक राज्य से जो दो प्रतिनिधि इसमें रिप्रेजेंट करें। इसके अलावा राज्य सरकारें केंद्र से अधिकार से प्राप्त करती है, गलत है। राज्य सरकारें केंद्र से नहीं संविधान से अधिकार प्राप्त करती है। सो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें सही होगा, संघीय विशेषता है तो केवल पहला आपका इसमें सही होगा, बाकी आपके नहीं होंगे। सो दैट्स इट आज के सेशन में, आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास हमारी अभी रेगुलर रहेगी क्लासेस, जिसमें आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चंस हैं, आगे हम जो है इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन भी कवर करेंगे, जो आरएएस का सिलेबस है उसके हिसाब से, आरएएस के सिलेबस के हिसाब से। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको दो जगह पर, एक लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स का टेलीग्राम का चैनल है, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स करके टेलीग्राम चैनल है, और दूसरा आपका अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल पर राजस्थान स्टेट एग्जाम गोल सेलेक्ट कीजिएगा, वहां पर मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, एजुकेटर कम्युनिटी है, वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास ये लगभग मैंने जैसा कहा कि रेगुलर क्लास होगी, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन 12 बजे के पहले जो अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 12 बजे के पहले सुनिश्चित कर लें। यदि आप 40% डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाना चाह रहे हैं, ये कोड है PANDEY, कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में इस कोड का प्रयोग करके 40% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।